अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? और क्या कर रहे हैं आजकल? यहाँ पर तो काफ़ी सर्दी आ गई है, 3-4 दिनों में बहुत ज़्यादा वेदर एकदम चेंज हुआ है। और पाकिस्तान में आजकल बहुत बारिशें हो रही हैं, इधर भी हुई हैं लेकिन उस तरह नहीं हुई। और वेदर जो है वो बहुत अच्छा और चेंज हो गया, ठंड आ गई है। पाकिस्तान में भी स्टिल गर्मी है लेकिन कुछ दिनों तक बेहतर हो जाएगा वेदर इंशाल्लाह। बचपन भी क्या खूबसूरत चीज़ है, ना कोई फिक्र ना कोई परेशानी, और बस ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत जो दौर है ना वो बचपन है। और आजकल तो बच्चों ने इतनी लंबी छुट्टियां एंजॉय की हैं, और अभी सितंबर के फर्स्ट वीक में खुल जाएंगे स्कूल, लेकिन जो है ना कि अभी तो फुल मज़े हैं इनके। अच्छा जी, आज मेरे और मेरे हस्बैंड के कुछ प्लान्स हैं, बाहर के कुछ काम हैं जो आज हमने करने जाना है, और थोड़ी बहुत ग्रॉसरी भी है जो करनी है। तो बस वेदर भी बहुत अच्छा हो गया, सुबह थोड़ी धूप थी लेकिन अभी बहुत अच्छा वेदर हो गया, हवा भी काफ़ी चल रही है। और थोड़ी सी फिर देखते हैं, अगर अच्छा वेदर इसी तरह रहा तो लॉन्ग ड्राइव भी करेंगे और मैं आपको साथ लेके चलूँगी और दिखाऊंगी जहाँ भी हम जाएंगे। और जहाँ हमने जाना है वो थोड़ी सी कंट्री साइड भी है, तो बहुत खूबसूरत, मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ, यकीनन आप भी इंजॉय करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जगह आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपको एक बड़े मज़े का घर दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल सामने एक पिंक कलर का कॉटेज है और ये काफ़ी पुराना है, इतना क्यूट लग रहा है, बहुत ही क्यूट सा, और ये बिल्कुल कंट्री साइड पे बना हुआ है। ये देखिए, सारे दूर दूर तक ग्रासी फील्ड्स और ऊंची नीचे सी जगह है, और पीछे जो है वो जंगल भी है, बहुत खूबसूरत। साइड पे भी, और इस साइड पे जो है वो सेम वैसे ही है। आज आपको थोड़ा सा कंट्री साइड भी बीच में दिखा रही हूँ। ये एक्चुअली है सारा लंदन ही है, लेकिन बीच बीच में जो, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, बीच बीच में जो एरियाज हैं उनके बीच में थोड़ा सा जो उन्होंने इलाका बहुत ज़्यादा ऐसे छोड़ा हुआ है जिसमें पार्क्स हैं, बड़े बड़े एकड़्स में फैले हुए, और दरख्त हैं और ग्रीनरी है, क्योंकि ये हर जगह पे जो है वो नहीं बनाते बिल्कुल भी घर और आबादी नहीं करते, ये यहाँ की बहुत अच्छी बात है। इवन आपको मेन सेंट्रल लंदन में भी जो है बड़े बड़े जो हैं वो ग्रासी पैच नज़र आएंगे, ग्रीन पैचेस नज़र आएंगे, और वो जो है, हालांकि अगर कोई और जगह हो तो वहाँ पे जो है बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा कमर्शियल एरिया बन सकता है या रेजिडेंस एरिया बन सकता है, लेकिन वो नहीं बनाते, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक और आपको पिंक कलर का घर दिखा रही हूँ, यहाँ पे पिंक कलर के बड़े खूबसूरत घर हैं। अच्छा, पिंक कलर जो है वो यहाँ पे बहुत पसंद किया जाता है, और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ के जो टिपिकल इंग्लिश लोग हैं वो पिंक कलर के कॉटेजेस बनाते हैं। अगर आप सर्च करें गूगल पे तो आपको, या यूट्यूब पे आपको बहुत सारे पिंक कॉटेजेस के पूरे टूर्स नज़र आएंगे, और वो बड़े विक्टोरियन और जो है पुराने स्टाइल के बड़े खूबसूरत घर हैं, एज इट इज़ उनको रखा हुआ है, और उनकी छतें भी जो हैं वो घास वाली हैं, यानी कि ट्रेडिशनल रूफ्स उनको बोलते हैं यहाँ पे, ट्रेडिशनल इंग्लिश रूफ्स, और कलर उनको ज़्यादातर वो पिंक कलर करते हैं। तो ये पिंक कलर जो है वो बड़ा क्यूट सा लगता है, दूर से लगता है जैसे कोई कैंडी है, और बहुत ही मुझे तो अच्छा लगता है, और यहाँ बहुत फेमस है ये, अनयूजुअल कलर्स करते हैं और ज़्यादातर उसमें पिंक होता है। ट्रेन गुजर रही है, अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं ट्रेन का, ये गुजर जाए तो ट्रैफिक अभी ब्लॉक है।
निकलने लगे। क्यूट सी एक मानो है, पता नहीं किसकी है, कोई किसी का पेट है। इसके गले में देखें वो घंटी लगी हुई है, लेकिन ये यहाँ पे चिल कर रही है, एंजॉय कर रही है। ये बड़ी फ्रेंडली सी है, जिधर जिधर हम जा रहे हैं उधर उधर हमारे साथ आ रही है, और हमें नहीं पता कि किसकी है। और लेकिन बड़ी क्यूट सी है, ब्लैक और मुंह थोड़ा सा इसका नीचे से वाइट है, लेकिन बड़ी क्यूट लग रही है। और ये एरिया बहुत ज़्यादा, मैंने आपको जैसे पहले बताया, बड़ा ग्रीन है, बहुत बड़े बड़े इधर वॉकिंग ट्रैक्स बने हुए हैं, लाइक पीछे पूरा फॉरेस्ट है, जंगल है। और इधर बहुत ही मतलब पीसफुल और ख़ूबसूरत जगह है, बहुत पीसफुल और ख़ूबसूरत जगह है। और अभी हम इधर ब्रैकनेल के एक शॉपिंग एरिया है, इधर आए हैं, और कुछ थोड़ी सी जो है वो भूख लग गई थी मुझे, तो हमने कहा इधर कोई देखते हैं, कोई कुछ खाने पीने का हमारे लिए हलाल कुछ ऑप्शन है कि नहीं कोई, या फिर सी फूड को एंजॉय करेंगे। तो ये है यहाँ का एक मॉल ब्रैकनेल का। काफ़ी बड़ा है ये, काफ़ी बड़ा है, और इधर सारे ब्रांड्स हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये शॉपिंग मॉल में एक ना आइसक्रीम वैन है, कितनी क्यूट है, पिंक कलर की, और इसका नाम है ऊला लाला, सो क्यूट। और ये क्यू लगी हुई आइसक्रीम के लिए। यहाँ पे हमने काफ़ी जगह ट्राई किया, नैंदोज और दो तीन और जगहों पे जो यहाँ का फूड कोर्ट था, लेकिन वहाँ पे हमें हलाल ऑप्शन कहीं पे भी नहीं मिला। तो फिर हम यहाँ पे आए हैं, तो ये हलाल है, तो इधर अब हम लोग कुछ थोड़ा सा खाने पीने लगे हैं। बस अभी हम लोग अब वापस जा रहे हैं, और थोड़ी सी यहाँ पे अभी मैं कुछ देखूँगी शॉपिंग जो मॉल है उसमें, कुछ अगर अच्छा लगा तो शॉपिंग देखते हैं। तो आज वेदर भी बड़ा अच्छा है, और ये देखें इतना क्यूट सा ये पब है, बिल्कुल ओल्ड इंग्लिश कंट्री स्टाइल जो है वो कॉटेज, और पीछे जो है वो देखें जदीद और पुराना और नया जो है ना कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है। तो ये बिल्कुल कॉटेज स्टाइल जो है वो ओल्ड इंग्लिश कॉटेज स्टाइल जो है वो पब है, बुल्स ब्लूज के नाम से। या ये इसकी हाई स्ट्रीट भी है। मैं आई हूँ एक हाउस ब्रांड के ऊपर, और ये एक होम स्टोर मतलब होम एक्सेसरीज का ब्रांड है। ज़्यादातर इधर यूटेंसिल्स और सारा कुकिंग वेयर है, और मैं आपको दिखा रही थी मिंट ग्रीन कलर में ये रिक्शा, इतना क्यूट लग रहा है। और आज इधर 70% सेल थी, तो ये देखें सारा ही ऑलमोस्ट खाली हो गई है शॉप, और मुझे अभी तक सिर्फ ये स्पून्स मिले हैं स्टेनलेस स्टील के, और बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी। एक्चुअल प्राइस इनकी 9 pound ईच थी, और अभी ये 150 के मिले हैं मुझे एक, और 9 pound ईच का था ये, सो इट्स अ गुड बार्गेन। और अभी मैं आई हूँ इधर मेटलन में, और ये इसका होम सेक्शन है। ये स्टोर में हर कुछ सब कुछ मिलता है, लेकिन ये इसका जो है वो होम सेक्शन है। लवली लुक्स, गोल्डन कलर में फ्लेमेंगो और पाइनएप्पल, बहुत अच्छी लग रही है।
orchards, sunflowers, roses. These are lavenders. ये बहुत क्यूट क्यूट से प्लांटर्स हैं सारे. ये वॉल में हैंग होने वाले प्लांटर्स हैं सारे, ज़ेब्रा और टाइगर की उसमें शेप में. ये वॉज है बड़ा. ये सारे प्लांटर्स हैं. सीक्वेंस वाले कुशन्स हैं. अब हो रही है हमारी वापसी. आज का ऑलमोस्ट हमारा सारा डे यहाँ पे स्पेंड हो गया है और बहुत ही मज़ा आया. अब थोड़ी बारिश शुरू हो गई है. उस वक्त बादल थे, मौसम अच्छा था, ठंड नहीं थी, लेकिन अब जो है वो बारिश शुरू हो गई है और बस अब हम जा रहे हैं अपने घर. अच्छा जी, आज का व्लॉग जो है वो बस यहीं तक था. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी. अगर आपको ये वाला व्लॉग मेरा अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि व्लॉग बनाने में बड़ी मेहनत होती है, एडिटिंग का भी काफ़ी काम होता है. और ये देखें, अपनी बोट के ऊपर लंच कर रहे हैं, वहाँ पे आराम से धूप में जो है वो सनशाइन में लंच को एंजॉय कर रही हैं लेडीज़. और यहाँ पे ये जो है वो बैठे हैं, ये पूरी फैमिली है और बहुत मज़े से एंजॉय कर रही है. तो फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़.